वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम आपको कुरेशे का बहुत प्यारा सा डिजाइन बताने वाले हैं। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पे यूज कर सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पट्टी बना ली है। आपने पहले 11 चैन बुननी है और 11 चैन बुनने के बाद डबल क्रोशे से बुनना है। देखिए किस तरह से बुनते हैं। समझिए, आपने चैन बुन ली तीन। देखिए तीन के बाद जैसे आपने ये चैन डालनी 11, उसके बाद आपने तीन चैन छोड़ के चौथे चैन में आपने बुनना है। जब आप नीचे से स्टार्ट करेंगी और हर चैन में आपने फ्रेंड्स डबल क्रोशे से ही बुनना है। इस तरह से हमने इस पट्टी को तैयार करना है। ये पट्टी बहुत इजी है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसे पहले ही बना ली है। देखिए आपने, आप चाहे तो फ्रेंड्स इसे थोड़ी सी चौड़ी भी बना सकती हैं, चाहे तो आप इतनी रख सकती हैं। तो देखिए 2, 4, 6, 7 और हम 7, 6, 7 और ये 8। देखिए 8 हमने, देखिए डबल क्रोशे से 8 बार बुन लिया है। 2, 4, 6, 8 इस तरह से फ्रेंड्स हमने 13 लाइनें बनानी है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये 13 लाइनें हैं। आप अपने हिसाब से इसे बड़ी पट्टी बना लें अगर आप बड़ा डिजाइन बनाना चाहती हैं। 1, 2, 3 तीन चैन बुनेंगी और देखिए यहाँ आपने डबल क्रोशे से 2 बार बुनना है। फिर आपने 1 और 2 बल लेने हैं और ये देखिए 1, 2 स्किप करके यहाँ थर्ड में आपने ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। देखिए 1, 2 और ये 3 ट्रिपल क्रोशे से बुनेंगे। फिर 1, 2 फिर ये देखिए 1, 2, 3 फिर ये देखिए 2 बल के साथ, यानी ट्रिपल क्रोशे से हमने 3 टाइम बुनना है इस तरह। फिर देखिए 1, 2, 3, 4 चार चैन बुनेंगे। 1, 2 दो बल लेंगे। फिर ट्रिपल क्रोशे से हमने इसी के अंदर फ्रेंड्स बुनना है। 3 बार बुनेंगे, 1, 2 तो देखिए इस तरह से ट्रिपल क्रोशे से 3 बार और 4 चैन का गैप। फिर आपने क्या करना है, फिर देखिए ये 1 लाइन छोड़ेंगे, 2 छोड़ेंगे थर्ड में। थर्ड में फिर से फ्रेंड्स हमने ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। फ्रेंड्स अगर आप इसका स्टॉल बनाएंगे तो भी अच्छा लगेगा या मफलर बनाएंगे तो भी बहुत प्यारा लगेगा। देखिए बहुत इजी, सिंपल एंड सोबर है ये डिज़ाइन। देखिए 3 फिर 1, 2, 3, 4 चार चैन का गैप। फिर से हमने ट्रिपल क्रोशे से इसमें बुनना है। इस तरह से फ्रेंड्स हम इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारी पहली लाइन तैयार हो गई है। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ बुना था 3 बार, तो देखिए मैंने यहाँ 3 बार बुना है और जैसे मैंने आपको 2 बार बताए थे इस तरह से मैंने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब सेकेंड रो बुनेंगे, 1 चैन बुनेंगे और इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपने सिंगल क्रोशे से 1, 2 और यहाँ 3। देखिए 3 बार बुना आपने। फिर आपने 1 चैन बुननी है और देखिए आपने 1 बड़ा फंदा लेना है और देखिए यहाँ जहाँ से आपने सिंगल चैन बुनी थी यहाँ आपने इस तरह से 2, 2 के बाद 3, 4, 5 देखिए 5 का पफ स्टिच लिया और इस तरह से। बनाएंगे
और देखिए यहाँ यहाँ आपने सिंगल क्रोशे से इस तरह बुनना है, देखिए इस तरह से। फिर आपने देखिए इसके अंदर एक दो तीन चार और पांच, देखिए इस तरह से पांच बार आपने बुनना है इसमें। फिर आपने क्या करना है, देखिए यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनेंगे, फिर देखिए एक फंदा बनाएंगे, एक बल लेंगे और ये देखिए दो तीन चार पांच और देखिए इस तरह से फिर से हमने पफ स्टिच बनाना है। और फिर देखिए यहाँ देखिए ये छोड़ देंगे, यहाँ आपने इसको सिंगल क्रोशे से इस तरह से जॉइंट करना है, ये देखिए। फिर इसके अंदर आपने पांच बार सिंगल क्रोशे से बुनना है, एक दो तीन चार पांच, फिर देखिए इसके अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनेंगे, एक बार लेंगे, एक आपने फंदा लेना है और इसके अंदर आपने फाइव टाइम बनाना है पफ स्टिच, दो एक दो तीन चार पांच और इन पांचों को एक साथ इस तरह से और यहाँ इस तरह से हम अपनी सेकंड रो कंप्लीट करेंगे। ये फ्रेंड इस तरह से सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई, देखिए इतना प्यारा सा इसका डिज़ाइन आया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए थर्ड रो बनानी है तो कैसे बनाएंगे, देखिए एक दो तीन चार चैन बुनेंगे, एक बल्ले दो बल्लेंगे और इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए यहाँ आपने बुनना है, देखिए एक दो तीन आपने ट्रिपल क्रोशे से बुनना है, फिर एक और दो, तो यहाँ आपने तीन बार बुनना है, एक दो तीन इस तरह से, देखिए तीन हो गए, जैसे तीन थे यहाँ भी तीन आ गए। अब आपने एक दो दो बल लेने हैं और देखिए यहाँ यहाँ से आपने बुनना है, ये देखिए एक दो तीन, फिर एक दो, फिर आप सेकंड में बुनेंगे, ये देखिए एक दो तीन, फिर देखिए यहाँ बुनेंगे एक दो तीन, और फिर देखिए एक दो तीन चार, चार चैन बुनेंगे, एक और दो, दो के बाद देखिए यहाँ एक दो तीन, फिर एक और दो, यानी कि यहाँ फ्रेंड्स हमने ट्रिपल क्रोशे से थ्री टाइम बुनना है, एक दो तीन, फिर देखिए यहाँ एक दो तीन इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स फिर आपने एक और दो, यानी कि फ्रेंड्स अब हम बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह बुन रहे हैं जैसे हमने फर्स्ट रो बुनी थी, इसी तरह से एक दो तीन, फिर एक और दो, फिर नेक्स्ट चैन में बुनेंगे, ये देखिए एक दो तीन, फिर इस चैन में बुनेंगे इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे मैंने ये बुना है, इससे मैं थर्ड रो कंप्लीट करके आपको फोर रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है।
एंड इस तरह से हमने देखिए फर्स्ट रो की तरह थर्ड रो भी कंप्लीट कर ली है। अब देखिए हम सेकंड रो की तरह आप फोर रो बुनेंगे। तो देखिए फिर से आपने एक चैन बुननी है, इसे पलटना है और फिर देखिए फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ सिंगल क्रोशे से एक दो तीन तीन बुन लिए, फिर एक चैन बुनिए और थोड़ा सा बड़ा फंदा बना लीजिए। और देखिए आपने इसमें फाइव टाइम का पफ स्टिच डालना है। तो एक दो तीन चार पांच और फिर इसको देखिए इस तरह से, इस तरह से बन गया। फिर आपने देखिए यहाँ इसको जॉइंट करना है, फिर इसके अंदर देखिए पांच बार बुनना है, एक दो तीन चार पांच, हमने सिंगल क्रोशे से फाइव टाइम बुन लिया। अब देखिए यहाँ इस तरह से बुन के आपने एक चैन बुननी है और एक देखिए बड़ा फंदा लेंगे यहाँ से, एक दो तीन चार पांच और फिर देखिए हम सबको एक साथ इस तरह से बुन देंगे और इसको देखिए यहाँ यहाँ बुनेंगे, फिर इसमें फाइव टाइम बुनेंगे, दो एक सॉरी दो तीन चार और ये पांच और फिर यहाँ बुनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं इस फोर रो को कंप्लीट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स बनने के बाद देखिए सर कितना प्यारा सा लुक आया है और कितना इजी भी है, सिर्फ आपने दो लाइनें रिपीट करनी है और आपका प्यारा सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।